सब बढ़िया होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम परीज वर्ल्ड। उन्होंने पूछा था दैट हाउ टू पुट थंबनेल ऑन आवर वीडियो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। बाकी जब मैंने चैनल स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं थंबनेल तो बनाना आ रहा था मेरे को, बट आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड थंबनेल ऑन माई वीडियो। और हाँ, मैंने थंबनेल आपको बनाना सिखा दिया है, लेकिन पुट करना मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बाकी जो थंबनेल बनाने की वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। अगर आपको नहीं आता तो आप उस वीडियो को देख के थंबनेल बनाना सीख सकते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने कई लोगों से पूछा कि कैसे मैं थंबनेल डाल सकती हूँ अपनी वीडियो पर, उन्होंने नहीं बताया। एंड मैंने YouTube में भी काफ़ी बार सर्च किया तो उसमें भी कुछ समझ आता था, कुछ नहीं आता था, तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन रहती थी माइंड में। तो फिर मैंने ऐसे ही कई दिन ऐसे ही बीतते गए, तो फिर मैंने खुद ही ट्राई किया कि मैं कैसे डाल सकती हूँ अपने वीडियो में थंबनेल। और फिर मेरे को 2022 का सबसे ईजीएस्ट मेथड मिल गया है थंबनेल अपलोड करने का। और ये जो पूरा प्रोसेस होगा ना थंबनेल अपलोड करने का, ये बिल्कुल वायरस फ्री होगा, इसमें बिल्कुल भी किसी भी जंक का चांसेस नहीं है, बिल्कुल सेफ मेथड होगा ये। एंड ऑल्सो अगर आपको भी कोई किसी भी टेक टॉपिक को रिलेट करके कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और ये जो परी हैं, इन्होंने काफ़ी बार मेरे से पूछा था कि कैसे डाल सकते हैं थंबनेल वीडियो पे, तो मैंने सोचा हमारी यूट्यूब फैमिली को सताना अच्छी बात नहीं है तो चलो बता ही देती हूँ। और अगर आपको, दोबारा कह रही हूँ, अगर आपको भी कोई डाउट्स हैं टेक को रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो बनाना पसंद करूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो परी जी, मैं आपको अपने लैपटॉप के थ्रू इस पूरे मेथड को करना बता रही हूँ। वैसे आप सभी को बता रही हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे से एक्चुअल में पूछा था तो उनका नाम लेना तो बनता है ना, क्योंकि मैं उनको समझा रही हूँ। तो अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे समझा रही हूँ। अगर आप ये पूरा मेथड अपने फ़ोन पे कर रहे हैं तो आपको बस एक ऑप्शन को है वो इनेबल करना पड़ेगा, और फिर जितना भी बाकी का मेथड रहेगा वो सेम रहेगा। तो मैं आप वो ऑप्शन आपको आगे चल के बता दूँगी। तो सबसे पहले अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप उसी पे कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो फ़ोन की स्क्रीन होती है वो छोटी होती है। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ यहाँ पे गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे हम ओपन कर लेंगे इसको, और अब हम ओपन कर लेंगे हमारा यूट्यूब। यूट्यूब ओपन करने के बाद हमें जो भी चैनल वेरीफाई करना है, हमें मतलब जिस भी चैनल पर हमें थंबनेल डालना है उस चैनल को हमने ओपन कर लेना है। और थंबनेल डालने के लिए सबसे पहले हमें चैनल वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने चैनल के लोगो पे जाएंगे। ये सारा स्टेप करने से पहले जब आप क्रोम ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे एक थ्री डॉट्स का ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप साइट का, उसको आप इनेबल कर लेना। और फिर चलिए अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो आपको अपने जो ये लोगो है आपका चैनल का, इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन दिखेगा YouTube स्टूडियो का, आपने इस पर ओपन कर लेना है। तो अभी ये ओपन हो रहा है। तो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा चैनल का, चैनल पे क्लिक करेंगे और फीचर एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वह इंटरमीडिएट फीचर्स का, और इसके नीचे भी लिखा हुआ है वीडियोस ओवर 15 मिनट्स, कस्टम थंबनेल्स, लाइव स्ट्रीमिंग एंड कंटेंट आईडी। तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर आपने चैनल अभी तक अपना वेरीफाई नहीं कर रखा तो आप 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं अपलोड कर पाओगे, ना ही तो आप अपने खुद के थंबनेल्स अपनी वीडियो पे डाल पाओगे, और ना ही लाइव स्ट्रीमिंग कर पाओगे। तो इसको आप इनेबल करोगे। इनेबल आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे
और फिर वेरीफाई फ़ोन नंबर पे आपने क्लिक कर देना है। ये रहा ऑप्शन वेरीफाई फ़ोन नंबर का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जो भी नंबर आपका चलता है अभी, या फिर जिस भी नंबर से आपने आईडी क्रिएट कर रखी है, वो वाले नंबर को आपने यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन कोड या फिर कॉल मी विद द ऑटोम्ड वॉइस मैसेज। तो मतलब नेक्स्ट वाले में आपको कॉल करके वो OTP बताएंगे और फर्स्ट वाले में टेक्स्ट करके बताएंगे। तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। फिर कंट्री हमारी इंडिया ही रहेगी और फिर जो नेक्स्ट होगा यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपना नंबर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गेट कोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ टाइम में हमारा कोड जो है वो हमें मिल जाएगा। तो ये रही मेरी मोबाइल की स्क्रीन और यहाँ पर मुझे जो है कोड मिल चुका है 394013। तो हम इसको एंटर कर देंगे। तो अब हम इसको सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद जो हमारा फ़ोन नंबर है वो वेरीफाइड हो जाएगा और अब आप अपनी जो थंबनेल्स है वीडियो पर वो लगा सकते हैं। तो अब जो हमें सबसे लास्ट स्टेप करना है थंबनेल डालने का, वो करना है पहले हमें अपने फ़ोन पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, YT स्टूडियो। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, इसको हम ओपन करेंगे और जो वीडियो हमने अपलोड कर दी है YouTube पे उसका अगर हमें थंबनेल डालना है तो हम सीधा वीडियो पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेंसिल का, उस पर क्लिक करेंगे और फिर दोबारा से यहाँ पर एक पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद कस्टम थंबनेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर हमें अपना थंबनेल यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं हम और सेव। तो अब हमारा थंबनेल लग चुका है। तो गाइस जो ये थंबनेल था इसका साइज़ मैंने अपनी जो थंबनेल बनाने वाली वीडियो थी उसमें दे रखा है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है उस वीडियो का, जाके आराम से देख सकते हो। एंड ऑल्सो मुझे मेरे इंस्टा और फेसबुक आईडी पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, मैंने यहाँ पर नाम दे रखे हैं, बाकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके फॉलो कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो मेरा चैनल जल्दी से, ताकि आपको सारी टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और बेल आइकन भी प्रेस कर देना एंड लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑल्सो। सो टिल देन बाय बाय।